हेलो नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में, नॉलेज एकेडमी अभिनव। और आज जो न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार बहुत जल्द आपका रिजल्ट यानी KVS का रिजल्ट आने वाला है, जिसके तहत इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अप्रैल में आपके रिजल्ट आने वाले हैं जो कि आपको दिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ जून में इनका इंटरव्यू के चांसेस बढ़ गए हैं। यानी इन्होंने कह रखा है कि जून जुलाई तक हमें पूरा जो करेक्शन है वो हमें करके देना है। ओके, तो जून में जहां तक संभव है जून में आपका इंटरव्यू सेशन जो होगा वो लाया जाएगा। जो बातचीत चल रही है या जो बहुत सारे सर्वे हुए उनके अनुसार जो कट ऑफ लिस्ट लग रहा है मुझे कि ये हो सकता है वो मैं आपके सामने एक बार ला रहा हूँ। अगर आप इससे ऊपर में हो तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कितना है कट ऑफ। जो अगर जनरल की बात करें तो टीजीटी में 110 प्लस है अगर आप, तो बिल्कुल लग जाइए तैयारी के लिए। अगर पीजीटी में 90 प्लस है और पीआरटी में 110 के ऊपर है तो आप बिल्कुल तैनात हो जाइए, शुरू हो जाइए तैयारी के लिए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास ही रहने के चांसेस है। ओके, याद रखिएगा, अगर आप ओबीसी के हैं तो 100 प्लस या पीजीटी में 100 प्लस कर रहे हैं या पीआरटी में 100 प्लस कर रहे हैं तो भी आप तैयारी के लिए लग जाइए, और पीजीटी में 80, क्योंकि पीजीटी में थोड़ा सा टफ पेपर आया है इसलिए कट ऑफ उसके नीचे जाने के चांसेस है। वहीं एससी के लिए 80 प्लस 75% और 85% के भी जो कैटेगरीज में है वो ला सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 90 प्लस 70, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी इस बार जो डेटा आया है ईडब्ल्यूएस में भी भीड़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा जनसंख्या बढ़ गई है, कितना सीट है उससे दोगुना या तिगुना लेवल पे रेट बढ़ गया है, याद रखिएगा। तो 90 प्लस 70 और 90 प्लस पीडब्ल्यूडी में वही 70 और 70 के आसपास अगर आप हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जल्दी से शुरू हो जाइए अगर आप इस कट ऑफ लिस्ट के आसपास हैं तो तैयारी के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही नेक्स्ट मंथ आपसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और डेमो के लिए। ओके, तो आज के लिए सही, कैसा लगा जरूर बताइए और जल्दी से शुरू हो जाइए तैयारी के लिए। चलिए आज के लिए सही, धन्यवाद।